कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत में चर्चा के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। किरोड़ी मीणा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में दौसा में बीजेपी को मिली पराजय के कारण मीणा ने त्यागपत्र दिया। नड्डा से मिलने के बाद सूत्रों की माने तो किरोड़ी को लेकर तीन बातें चर्चा में चल रही है। मंत्री पद पर बरकरार रहे, सरकार में उप मुख्यमंत्री सलीके प्रभावी पद पर आने का, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। ये तीन फिलहाल चर्चा में है। इन्हीं तीन बातों के ऊपर लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तृतीय वर्ष शिक्षित डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की परंपरागत मीणा वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने में बड़ा योगदान दिया, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था। दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहां डॉक्टर किरोड़ी का अपने वर्ग के बीच व्यापक प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी लीडरशिप ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। दौसा के रोड शो में पीएम मोदी ने अपने साथ में रखा था। चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दौसा और टोंक सवाईमाधोपुर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। अगर भाजपा के प्रत्याशी जीत नहीं पाते तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा के प्रत्याशी दौसा और टोंक दोनों ही सीटें हार गए। ये एक बड़ा कारण है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के त्याग पत्र का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर किरोड़ी को इस्तीफा प्रकरण के मद्देनजर दिल्ली बुलाया। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी के त्याग पत्र को सीएम भजनलाल शर्मा ने फिलहाल मंजूर नहीं किया है। जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, ना मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा छात्र जीवन से ही राजनीति में है, विद्यार्थी परिषद में रहे, आगे चलकर बीजेपी के हरावल दस्ते युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके। डॉक्टर साहब पहले भी मंत्री पद छोड़ चुके हैं जब वे वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान एसटी वर्ग के आरक्षण के पक्ष में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद वे मीणा समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित भी हो गए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीए सगमा की पार्टी का दामन थामा और करीब 122 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। 4 सीटों पर भाजपा ने जीत भी दर्ज की। 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 2018 में उनकी भाजपा में वापसी हुई। डॉक्टर किरोड़ी दौसा की जग के चुनाव चिन्ह पर खुद के दम पर निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष के प्रतीक के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी को जाना जाता है। सवाई माधोपुर के सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन से लेकर अभी तक भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी उनको संघर्षशील नेता मानते हैं। मंत्री पद छोड़ने को लेकर नाराजगी की बात भी सामने आई। उनके समर्थक मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के कारण मीणा समाज के विधायक अच्छी संख्या में विधानसभा चुनाव में जीते थे, फिर डॉक्टर किरोड़ी को न तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और विभाग के आवंटन से भी उनके समर्थन नाखुश नजर आते हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के कारण मीणा समाज के विधायक अच्छी संख्या में विधानसभा चुनाव में जीते थे, फिर भी किरोड़ी को न तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और विभाग के आवंटन से भी उनके समर्थक नाखुश थे। समर्थक मानते थे कि डॉक्टर किरोड़ी को उनकी कद के मुताबिक पद नहीं मिला। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने पत्नी गोलमा देवी और भाई जगमोहन मीणा का टिकट मांगा था लेकिन नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। उनके भविष्य के सवाल को लेकर कई तरह की जानकारियां सूत्रों से हमें मिल रही है। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर भविष्य में उन्हें लाया जाए और इस संदेश दिया जाए कि एसटी वर्ग के नेता का बीजेपी का पहली बार प्रदेश अध्यक्ष दिया गया है। वैसे भी मीणा वर्ग को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है। दूसरी संभावना ये कि उप मुख्यमंत्री बनाकर महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंपा जाए। तीसरी संभावना ये कि उन्हें सत्ता और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। राज्यपाल वो बनना नहीं चाहते क्योंकि अभी सक्रिय सियासत में रहना है। योगेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।